हेलो स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने लास्ट क्लास तक बात की है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, यहाँ तक की बात हमने की है। तो उससे आगे हम आज बात करने वाले, देखो सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आगे की बात हम करें। अगर देखो यहाँ से, तो एक मैं थोड़ा सा अपन वो गो थ्रू होने के लिए एक नॉर्मल सा अपन एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू -3 + √3 iota। ये क्वेश्चन है अपने ना, हमें इसका क्या करना है, ध्रुवीय रूप फाइंड करना है, ध्रुवीय रूप निकालना है का, ध्रुवीय रूप ज्ञात करो इस तरह से। तो इसका ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म निकालनी है, तो इसके लिए देखो एक बार पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप में है, हम यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं कि क्या करना है अपने को, अपने पता है कि जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम लिखते हैं, ये पोलर फॉर्म होती है। तो अपने को दो चीज़ों की नीड है, जैसा हमने कल बात की है लास्ट लेक्चर में या लास्ट क्लास में, कि जेड ये जो पोलर फॉर्म है उसके लिए हमें दो चीज़ों की नीड है, एक तो आर चाहिए और एक थीटा चाहिए। तो आर निकालना है अगर अपने को, तो आर के लिए देखो यहाँ से आर हमारा होता है √x² + y² एक्स जो है -3 का स्क्वायर इज 9 और +√3 का स्क्वायर इज 3। तो 12 जो है √12 का मतलब हो गया √3 इस तरह से। तो आर की वैल्यू आ चुकी है। थीटा और निकाल लेते हैं। थीटा निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है कि यहाँ जो थीटा लेना है वो थीटा नॉर्मल थीटा नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है। तो आर्ग्यूमेंट लेंगे, तो आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने बताया था कि हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो इन विच क्वाड्रेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, ये सब बच्चों को आता है, आना होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि हमने कल बहुत डिटेल से बात की और मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आर्ग्यूमेंट का हमें थीटा का जो है बार बार नीड होगी। जब यहाँ नेक्स्ट अपन आयलर्स फॉर्म पढ़ेंगे उसमें भी यही थीटा आर्ग्यूमेंट ही होता है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते थे x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो यहाँ से थीटा का आंसर अपन थीटा नहीं देते, पहले तो मैं मोड लगा के निकालूंगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या आएगा, मोड वाई अपॉन मोड एक्स। तो मोड वाई अपॉन मोड एक्स का मतलब हो गया √3 / 3, इज इट नॉट, मोड वाई लगा हुआ है ना, मोड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपन देखो क्या कर दें, यहाँ पे ये हो गया अपना टेन इनवर्स 1/√3, इट मीन्स टेन इनवर्स 1/√3 मतलब हो गया π/6 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल आ चुका है अपना, लेकिन मैंने क्या कहा है हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। इसके लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है क्योंकि मोड लगा है, तो चारों के लिए चारों क्वाड्रेंट में ही आंसर सेम आएगा, चारों के लिए ही क्या आएगा π/6। लेकिन अपने को आंसर कैसे देना होता था, हमने बात की थी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अपन आंसर देते हैं π - θ, यानी कि π - π/6 इसका मतलब 5π/6। तो दोनों चीज़ें आ चुकी है, आर भी आ गया और थीटा भी आ गया। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा, देखो जेड इज इक्वल टू पोलर फॉर्म आर कोस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6 इस तरह से। तो ये पोलर फॉर्म होगी, ये ध्रुवीय रूप होगा ना। देखो आगे एक बार अच्छे से समझ लेना, नॉर्मल बात चल रही है। अपन नेक्स्ट आगे वाली फॉर्म पढ़ते हैं, दैट इज़ आयलर फॉर्म है ना। क्या पढ़ेंगे अपन आगे, नेक्स्ट इज आयलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप। ओ आयलर फॉर्म को हिंदी में भी आयलर फॉर्म ही बोलते हैं। देखो इसमें एक बार अपन बात करते हैं आगे आयलर फॉर्म की। नेक्स्ट इज आयलर फॉर्म, आयलर रूप।
आयलर का हिंदी में भी आयलर ही बोल रहे हैं, क्योंकि आयलर इज अ साइंटिस्ट नेम, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है आयलर, है ना। तो आयलर साइंटिस्ट का नाम है, तो हिंदी इंग्लिश तो वो एक ही रहेगा। किसी भी इंसान का नाम जो है हिंदी और इंग्लिश में सेम होता है ना, तो इसका मतलब यही कि आयलर का मतलब हिंदी में भी आयलर ही होगा, ऐसा कोई अलग से नाम नहीं है। आयलर फॉर्म जो है एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म होने का मतलब ये है कि हमने अभी तक पोलर फॉर्म तक की बात कर चुके हैं। एक तो कार्टिजन फॉर्म पढ़ी है अपन ने, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई ऑफ वाई। सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ी है पोलर फॉर्म, एंड थर्ड वन इज आयलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म तक की बात हम कर चुके हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट आयलर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको आयलर्स एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, इन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया ई की पावर आयोटा थीटा। इन्होंने कहा कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है, इसकी वैल्यू ई टू द पावर आयोटा थीटा के बराबर होगी, और ये जो लिखा हुआ है इसी को ही बोला जाता है आयलर्स फॉर्मूला, आयलर्स फॉर्मूला, आयलर का सूत्र, आयलर का लड़का सूत्र, ठीक है भाई। तो आयलर्स फॉर्म भी अपन बात कर रहे हैं, तो अब देखो क्या रह गया। अगर ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह मैं वापस से ई टू द पावर आयोटा थीटा पुट कर दूँ अगर, तो ई टू द पावर आयोटा थीटा अगर रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा। दिस इज द आयलर्स फॉर्म। क्या होगा ये, इसी को बोलते हैं अपन आयलर्स फॉर्म, आयलर रूप। अब वापस से ध्यान से देखो एक बार, हमें कोई सा भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उस कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना है। अगर मान लो क्या चेंज करना है कि मैं यहाँ से इस जगह से जो अपना कार्टिजन फॉर्म थी x और y वाली, उससे मैं चाहता हूँ आयलर्स फॉर्म बनाना, तो वापस से वही बात जो पोलर फॉर्म में हमने बात की वही बात सेम आयलर फॉर्म में रहेगी। पोलर फॉर्म में भी अपने को दो चीज़ों की नीड थी, एक तो r की और एक थीटा की। सिमिलरली आयलर्स फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे भी दो चीज़ों की नीड होगी, एक तो r की और एक थीटा की। क्लियर है क्या? तो देखो क्या होगा यहाँ से, एक तो r की बात अगर करते हो तो एग्जांपल लेता हूँ मैं कि सपोज करो z जो है मेरा, वो z है अपना 1 प्लस रूट 3 आयोटा, और मैं कहता हूँ तुमसे कि इसको चेंज करो किसमें, आयलर्स फॉर्म में, चेंज इन आयलर्स फॉर्म, आयलर रूप में परिवर्तित करना है अपने को इसको। तो वही वापस से r निकाल लूँ मैं, r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स 2, एक्स स्क्वायर इज 1 और वाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक भाई। नेक्स्ट इज थीटा, और थीटा के लिए मैंने क्या कहा है, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे भी ये आर्ग्यूमेंट ही होगा थीटा, थीटा इज आर्ग्यूमेंट, ध्यान रखना ये कोणांक होगा, ऐसे नॉर्मल थीटा नहीं रखोगे जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन किया है उसमें अपन ने क्वाड्रेंट देखा है कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या सेकंड में, उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे। बार बार कह रहा हूँ डायरेक्टली थीटा हमें यूज़ नहीं करना है, हम थीटा आर्ग्यूमेंट जैसे हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे थीटा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या, ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा वही अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई इशू होता ही नहीं है, जो थीटा आता है वही थीटा हम लिख देते हैं, रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स पाई बाय 3। क्लियर? देखो जी अब तो आगे दोनों आर भी आ गया थीटा भी आ गया, तो बहुत इजी बात हो गई, आर थीटा दोनों है अपने पास, तो मैं दोनों को यहाँ पे पुट कर दूँ, तो दोनों पुट किया तो यहाँ से आयलर फॉर्म आ जाएगी अपनी, आयलर फॉर्म आएगी तो अपन लिख देंगे, देखो जेड इज इक्वल टू आर की जगह हो गया अपना 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ओके मैंने कहा था ना मैं खुद ही जवाब दे दूंगा। देखो इधर आगे जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें वही एक बार मैंने कहा है तुम्हें बार बार मिलेगा ही, देखो सब में ही कर लेते हैं अपन ये चीज़ अपन सबके साथ ही करेंगे, सारे क्वेश्चंस जो हैं ये साथ में कर रहा हूँ मैं, जो बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल हैं और जिन पे बेस्ट और क्वेश्चंस बने हुए हैं
भले चैप्टर में अपन पांच ही सवाल करें या दो ही सवाल करें, लेकिन उनसे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ये अपना टारगेट होना चाहिए। आप पांच सवाल करो, दस सवाल करो, सौ सवाल करो, लेकिन सौ सवाल भी किए हैं तो सौ से एक हज़ार सवाल होने चाहिए। मेन बात ये है, क्वेश्चन कोई से होते हैं, हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों क्वेश्चन हैं, लाखों क्वेश्चन हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के जितनी बुक्स हैं सबको उठाओगे तो शायद पता नहीं 50 लाख क्वेश्चन हो जाएंगे सबको इकट्ठे करें तो हो ही जाएंगे लगभग लगभग, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग तरह से, बहुत ऑथर्स हैं, बहुत एग्जाम्स हैं, बहुत बुक्स हैं, तो सबको कलेक्ट करेंगे। बट बात वही आती है कि सब में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही बने हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट ही हमको पकड़ने में आ गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कितने भी करें वो तो हमारी प्रैक्टिस की बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, देखो ये जो एग्जाम्पल प्लस थ्योरी चल रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन पे ज़्यादा नोटिस रखना अपना, इनको ज़रूर अच्छे से करना। मैं जो भी चैप्टर में भी करवाऊँगा सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करो और समझने की कोशिश करो। देखो आगे नेक्स्ट वन, वही नॉर्मल मैं क्या कह रहा हूँ इसका तो कर ही लेते हैं कि जेड बराबर आयोटा चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म चर घातांकीय रूप में बदलो, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू निकाल लें, एक तो आर हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स तो जीरो ही, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन, तो रूट ओवर जीरो प्लस वन इज वन, तो आर की वैल्यू वन आ गई। थीटा निकाल लूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, कैसे रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बताया मैंने, एक्स क्या है जीरो और वाई क्या है वन, अगर x जीरो होगा या y भी जीरो होगा तो जीरो का मतलब हमें क्या कंसिडर करके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है। तो x जीरो हो गया, y वन हो गया, तो मैं यहाँ से लिख दूँ tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर है क्या भाई? देखो आगे, तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो ये जो अपना z बराबर आयोटा था, इस जेड बराबर आयोटा को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ तो आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, जेड इज इक्वल टू वन ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू। तो ये अपन चेंज कर सकते हैं किसको, आयोटा को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा चांसेस कम होते हैं देखो जनरली इस तरह से, कि अपने से कहा गया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है और उससे अपने को बनाना है पोलर फॉर्म बना के दिखाओ, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो निकालनी अपने को, चांसेस कम है क्योंकि वैरायटी बहुत है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बनने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक आयोटा, ओमेगा, आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डी मायवर्स थ्योरम, तो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस बनने के चांसेस वहाँ से ज़्यादा हैं। फिर भी अपन देख रहे हैं बहुत अच्छे से, कोई इशू नहीं है, कभी इजी क्वेश्चन पूछना होता है तो दे सकते हैं कि भाई जेड बराबर आयोटा को चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज इन पोलर फॉर्म, या जेड बराबर माइनस थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा दे रखा है, अपने से कह दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालो या पोलर फॉर्म निकालो, हम कर सकते हैं ना। देखो आगे नेक्स्ट वन, ये अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सम्मिश्र संख्या जो है अपनी जेड उसका लघुगणक, लॉगरिथम ऑफ जेड, लॉगरिथम ऑफ जेड, लॉगरिदम जेड का लघुगणक, ठीक भाई, क्लियर बात है क्या, जेड का लघुगणक या लॉगरिदम ऑफ जेड। अब बात ढंग से सुनोगे कि हम जो है लॉगरिदम निकालना चाहते हैं, ये क्वेश्चंस मिलते हैं और ऐसे पूछा जाता है इनको कि नहीं यार पता नहीं क्या ही है, जैसे इस तरह से लिख देंगे लॉग थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा लॉग वन प्लस आयोटा, इनकी वैल्यूज निकालनी इस तरह से, फिर लॉग को देख के अपने को घबराना नहीं है, अपन उसकी बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, मैं बता देता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है अपने को कि कोई अजीब सी चीज़ है,
क्या करना है वो देख लेना एक बार, लॉग निकालना है तो मैं क्या करूँ, पहले जेड जो है इस जेड को लॉग फाइंड करने के लिए मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो एक बार, आर ई टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ तक की बात हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो अब आगे इससे आगे बात करें अपन, क्योंकि इससे क्या होगा अभी जब लॉग लेंगे तो अपने को ईजी पड़ेगा, और होता क्या है वो तुम आगे से ध्यान ही रखोगे, वो करके दिखा रहा हूँ। लॉग जेड इज इक्वल टू, दोनों साइड लॉगरिथम ले लिया है मैंने, दोनों साइड अपन क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं, तो दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूँ तो देखो यहाँ पे भी लॉग लोगे भाई, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी लॉग लोगे, राइट हैंड साइड पे लॉग लोगे तो यहाँ पे एम इंटू एन हो गया क्या, एम इंटू एन हो गया क्या, यहाँ पे लॉग एम इंटू एन कैन बी रिटन एज, कल ही बात की अपन ने आर्ग्यूमेंट में, लॉग एम प्लस लॉग एन इस तरह से लिख सकते हैं। देखो आगे, लॉग आर, आर की जगह आ जाएगा देखो यहाँ से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इज इट नॉट, अरे आर होता है ना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा थीटा, वो आगे ले लें पावर बाहर आ जाती है, लॉग में प्रॉपर्टी होती है एक्स टू दी पावर एन लिखा हुआ है तो एन यहाँ से बाहर आ जाएगा इस तरह से, एन बाहर आ जाएगा तो दिस इज आयोटा थीटा लॉग ई। ओके भाई, लॉग ई की वैल्यू जो है वो क्या है, वन होती है अपनी, लॉग ई की वैल्यू वन होती है ऑन द बेस ई, तो जनरली अपन बात करते हैं तो इसको वन लिया अपन ने, तो आगे बढ़ा रहा हूँ देखो मैं क्या लिख दूँ, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू लिख सकते हैं क्या, रूट का मतलब, और इधर लॉग ई तो वन हो गया और आयोटा की जगह आयोटा टेन इनवर्स इसको लिख दिया मैंने वाई बाई एक्स, लिखते हैं अपन, लिखते हैं थीटा को टेन इनवर्स वाई बाई एक्स लिखते हुए हैं, तो मोड वाई अपन मोड एक्स लिख लो, लिखने की कोई नीड नहीं है अपने को, पता है थीटा निकाल के यहाँ पे लाके डालना है अपने को, लिखो चाहे मतली को, कोई पूछ नहीं रहे इसको कैसे लिखोगे, लिखने का बाद मेन मैटर ये है, मैं ऑलरेडी 10 बार कह चुका हूँ, थीटा जहाँ कहीं भी दिख रहा है ऑलवेज दिस इज आर्ग्यूमेंट, ये नॉर्मल थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं होगा ये आर्ग्यूमेंट होगा, तो अपने वो आर्ग्यूमेंट से ही निकालना होगा। देखो जी आगे, अब क्या कर लूँ मैं, जो कर सकते हैं वही करेंगे ना, क्या कर सकते हैं अपन, इस वन बाई टू को आगे निकाल सकते हैं, ये अपने को आता है जो जो दिख रहा है वो तो करेंगे, लॉग ऑफ भाई आता नहीं, जो नहीं आ रहा है वो तो नहीं आएगा, बट जो आता है वो तो करें, और ये तो आता ही अपने को सब कोई, यहाँ क्या रहेगा आयोटा टेन इनवर्स, मोड वोड कटा रहा हूँ मैं, देखो ना तुम समझ चुके हो बात, ये बार बार नहीं लिखेंगे अपन, ये थीटा है, मोड लगेगा नहीं लगेगा, मोड लगने से भी काम नहीं होएगा, काम किससे होएगा, जो अपन ने आर्ग्यूमेंट ने बात की उससे, हमें वो देखना पड़ेगा विच क्वाड्रेंट इन विच क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे थीटा को यूज़ करेंगे, तो मैं नहीं लिखूँगा तो भी, लिखूँ तो भी कोई बात नहीं, और नहीं लिखूँगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, बात समझ चुके हो कि यहाँ जो थीटा टिकाया अपन ने, दिस थीटा इज आर्ग्यूमेंट, तो लॉग जेड देखो जी ये लॉग जेड आ चुका है बेटा अपना, समझ रहे हो बात, बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, तो अपन इस अजीब से को याद नहीं रखेंगे, हम सिंपली इसको ऐसे याद रखेंगे लॉग ऑफ, ये तो बुक्स में अगर तुम्हें मिलता है तो मैं बस यही याद रखूँगा, लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं लिख दूँ आयोटा थीटा, और अगर मुझे और शॉर्ट में ध्यान रखना है तो मैं इतना बड़ा भी नहीं लिखूँ, मैं तो यही लिख लूँ लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, ये लो हो गई शॉर्ट फॉर्म, आर से भी हम नोन है, अच्छे से नोन है कि आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इज टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन मोड एक्स, और थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट देखो इसमें इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से देखना भाई, क्या होता है क्वेश्चन जब फ्रेम होता है, मतलब जो तुम्हें मिलेगा बुक्स में मिले चाहे एग्ज़ाम में मिले, क्वेश्चन में क्या होता है देखो बात समझना एक बार, क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम होता है, यहाँ से दो तरह से फ्रेमिंग का मतलब, या तो मैं इसको नोटेशन वाली फॉर्म में लिख दूँ, और नोटेशन वाली फॉर्म में लाइक दिस लॉग थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा ये मैंने लिख दिया है सपोज करो आप, तो एक तो ये हो गया, या फिर मैं लिखता हूँ कि जेड बराबर सॉरी फाइंड लॉगरिदम ऑफ, फाइंड लॉगरिदम ऑफ जेड इज इक्वल टू
थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा, इसका लॉग हमें फाइंड करना है। एक ही बात हो गई, जेड बराबर थ्री प्लस रूट थ्री आयोटा का लॉग गुणा ज्ञात करो, या तो मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख दूँ या मैं ऐसे सिंबल बना के डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ, एक ही बात। तो सबसे पहली बात क्या लिखा है हमने बेटा, वन बाई टू लॉग जेड इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट नाइन, प्लस रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, प्लस आयोटा टेन इनवर्स रूट थ्री बाय थ्री। हो गया क्या? और क्वाड्रेंट आर्ग्यूमेंट के लिए किसकी नीड होगी? क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अपन थीटा का आंसर थीटा ही देंगे। तो देखो जी, वन बाई टू लॉग ट्वेल्व प्लस आयोटा, आयोटा टेन इनवर्स रूट थ्री बाई थ्री, यानी कि टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, यानी कि पाई बाय सिक्स हो गया। देखिए ना, दिस इज लॉग जेड। दिमाग चालू रखे भाई अपना, है ना, दिमाग चालू रहना बहुत ज़रूरी है, और ज़्यादा भी चालू नहीं होना चाहिए। दिमाग चालू होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा भी चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसका दिमाग ज़्यादा चालू वो भी ज़्यादा परेशान। समझते हो ना बात, ये पता होगा तुम्हें सबको, ट्वेल्थ पास कर रहा है सब लोगों ने। देखो यहाँ पे आओ, आप अभी ऑफलाइन में आओगे कभी तब करते हैं और बात अच्छे से। देखो यहाँ पे लॉग 12 प्लस आयोटा पाई बाई सिक्स। अब देखो आगे एक और एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें, एक ये ध्यान ही रख लेना, ये तो मैं लॉग आयोटा जो लिखवा रहा हूँ, मैंने क्या कहा है, मैं सबके करवा दूंगा ये आयोटा वाला, केवल सिंगल आयोटा वाले। ये लॉग आयोटा तो अपने को याद ही कर लेना है, एक लॉग आयोटा और एक रूट आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये दोनों चीज़ें करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा वहाँ पे याद करोगे, और ये लॉग आयोटा भी के भी कर देंगे अपन, याद है ना। आगे से ध्यान ही रखेंगे, निकालेंगे निकालेंगे नहीं। क्या करना है देखो बेटा, लॉग ऑफ आयोटा मैं डायरेक्ट इधर आंसर लिख दूँ क्या, इसको तो क्वेश्चन रहने दो और यहाँ आंसर लिख लेते। लॉग आयोटा क्या है, वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वन बाई टू दिखाऊँ, देखो एक बार देख लो, वन बाई टू, आ जा भाई आ जा, ये रहा वन बाई टू लॉग, देखो वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, या मोड वाई बाई एक्स, या लॉग आर प्लस आयोटा थीटा, दोनों चीज़ें ही हैं, तो मैं डायरेक्ट अपन किससे भी कर सकते हैं। देखो जी, वन बाई टू लॉग, यहाँ पे एक्स क्या है, जीरो एंड वाई इज वन, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ क्या हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर जीरो लॉग वाई स्क्वायर इज वन प्लस आयोटा, अरे यार देखो जी देखो देखो, इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा, वन बाई टू लॉग जीरो प्लस वन, ये तो इसकी बात है, आगे प्लस आयोटा थीटा, थीटा इज नथिंग बट पाई बाई टू, भाई जेड बराबर आयोटा है तो जेड बराबर आयोटा का थीटा अपन तीन बार तो निकाल चुके हैं, चौथी बार अभी निकाल रहे ना, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स वन बाय जीरो, तो यहाँ लिख दोगे आयोटा पाई बाई टू, टेन लॉग आयोटा इज इक्वल टू, देखना एक बार ढंग से, लॉग वन इज ऑलवेज ज़ीरो, लॉग वन इज ऑलवेज ज़ीरो, तो अगर ये जीरो तो ये पूरा जीरो, फाइनली क्या बच रहा है, आयोटा पाई बाई टू। तो ये ध्यान रखोगे आगे से, वैल्यू ऑफ लॉग आयोटा इज इक्वल टू आयोटा पाई बाई टू। ध्यान नहीं रहता है तो निकालना भी बहुत ईजी है, अपने लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, एक बार हल्का सा अपना हो सकता है कि कॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, दो तीन बार उसमें पढ़ लो तो हो जाए, दो तीन बार लर्न करो इसको तो उसमें चला जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं जाता है तो अपने को आते ही अच्छे से निकालना, हम लॉग आयोटा में कोई बड़ी बात नहीं है, दो स्टेप में आ जाएगा लॉग आयोटा क्या होता है। क्लियर 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 क्लियर। देखो आगे नेक्स्ट, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है पढ़ना भी, देखो पूरे कंसंट्रेशन से अपने को सारी बातें करनी है,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना कंसंट्रेशन लेवल अपन लूज रखें। इस पे और बात कर लेते हैं अपन, देखना एक बार। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल। देखना भी, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या बात होती है। जेड जो है एक्स प्लस आई टू वाई अपना ना, आई वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड, जेड टू द पावर 1/2 और जेड का वर्गमूल। ये सब चीज़ें मैं निकालना चाहता हूँ। सब चीज़ों का मतलब एक ही चीज़ है, तीनों को कैसे भी लिख दो। तो हम जो चाहते हैं एक्चुअली, वो चाहते हैं रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई फाइंड करना। रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई हमें चाहिए। देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से बात समझना एक बार। सबसे पहली बात, इसको इधर खिसका दो। चलो जी, ये लो, देखो बात सुनना मेरी एक बार। क्वेश्चन क्या, सॉरी, देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल भी एक वर्ग भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो भी हमें कोई एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप की फॉर्म ही मिलने वाली। तो मैं सबसे पहले तो उस एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म को लिख रहा हूँ, ए प्लस आयोटा बी। बात सुनते जाओगे ढंग से, इसके प्लस माइनस के साइन से क्वेश्चन बना दिया जाता है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ईजी होता है, ऑप्शंस बना दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला प्लस माइनस तो यहाँ मैंने लगाया है, अच्छे से देखना इस बात को। इसको अच्छे से देखोगे, थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट करके इधर लिख लो भले। ये जो मैं लिख रहा हूँ ए प्लस आयोटा बी, ये यहाँ लिख दिया मैंने कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो सबसे पहले तो ये ए प्लस आयोटा बी जो है, इसके आगे मैं लगा रहा हूँ प्लस माइनस। ये जो प्लस माइनस हम लगा रहे हैं, ये प्लस माइनस हम लगा रहे हैं इस स्क्वायर रूट के हटने की वजह से। ये जो प्लस माइनस लगा रहे हैं, ये स्क्वायर रूट के हटने की वजह से लगा रहे हैं। यहाँ अंदर वाला प्लस माइनस डिसाइड होगा इस प्लस माइनस से। कहने का मतलब, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेना है। क्लियर भाई? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लेना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेना है। तो अब देखो आगे। अब बात यह है कि ये जो दो आइटम है अपने, दो पैरामीटर्स जो हैं ये अपने, इन दोनों पैरामीटर्स की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो ए की वैल्यू फाइंड कर लूँ मैं ए, और एक में फाइंड कर लूँ बी। इस तरह से ए और बी दोनों अगर मेरे को मिल जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए विल बी इक्वल टू मोड जेड प्लस एक्स बाई टू टू द पावर 1/2। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ऐसे नहीं सोचना है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। क्या करते हैं, देखो यहाँ से करना है अगर मेरे को, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा मैं। क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। दोनों साइड अरेंज करोगे एक्स और वाई की वैल्यूज को कंपेयर करोगे, तो यहाँ से ए और बी अपन लिख रहे हैं मोड जेड प्लस एक्स बाई टू और मोड जेड माइनस एक्स बाई टू। तो एक तो मोड जेड प्लस एक्स बाई टू ध्यान रखना है, ये तो ए की वैल्यू, और
बी की वैल्यू होगी मोड जेड माइनस एक्स बाई टू टू दी पावर वन बाई टू। क्लियर? तो ए की वैल्यू तो है मोड जेड प्लस एक्स बाई टू और बी की वैल्यू है मोड जेड माइनस एक्स बाई टू। तो ए और बी निकालना है, ए और बी आएंगे यहाँ लग के पुट कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड कर लेंगे। देखो जी आगे इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे पूछते हैं और किस तरह से फाइंड करना है, दोनों बातें हैं। एक तो पहली बात अपने को मोड जेड की ज़रूरत पड़ेगी और मोड जेड निकालने के लिए जो फ्रिक्वेंटली यूज ट्रिपलेट्स हैं पाइथागोरस थ्योरम वाली वो मैं लिखवा चुका हूँ, चार तो लर्न करनी करनी है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 8, 17, 12, 5, 13, ये सबको याद होनी चाहिए, लर्न कर लेना, इनको नहीं हो तो कोई बात नहीं, लिखवा दिए मैंने आपको, होती तो बहुत सारी हैं बट इनका तो काम बार बार पड़ेगा। क्वेश्चन देखना एक बार, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज इक्वल टू 15 + 8i का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल निकालना हमने को स्क्वायर रूट का, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, ओ सॉरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का स्क्वायर रूट फाइंड करना है या इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखना एक बार, मॉडुलस ऑफ जेड, सबसे पहले तो ये जरूरत पड़ेगी मैं वो, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लें। 15, 8, 17 की ट्रिपलेट लिखवा चुका हूँ मैं और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या लिखोगे, 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होगा 64, तो कुल मिला के 289 और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। तो मॉडुलस ऑफ जेड अपन ने फाइंड कर लिया है, यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड अपने पास आ चुका है। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर आ गया है तो यहाँ से एक्स अपने पास है क्या, एक्स है क्या, ये 15 है, तो मेरे को दोनों चीज़ें निकाल ली है, आंसर होगा ए प्लस आयोटा बी, क्योंकि यहाँ पे ए है, सॉरी बी, ए और बी के बीच में क्या होगा, प्लस साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस यूज़ करेंगे। मोड जेड निकाल चुका हूँ, ए इज इक्वल टू 17 + x की वैल्यू 15 मोड जेड प्लस एक्स बाई टू टू दी पावर 1/2, 32 में 2 से डिवाइड किया तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, बी 17 - 15/2 की पावर 1/2, 17 में से 15 गए तो 2, 2/2 = 1, 1 का स्क्वायर रूट = 1, दोनों ला के यहाँ रख दूँ, दोनों ला कर यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी आई है 4, बी की वैल्यू क्या आई है आयोटा, तो आंसर हो गया +-4+ i। अब जो मेरी बात है वो ध्यान से सुनना, जो शॉर्ट मेथड अपन यहाँ पे करते हैं यूज़, वो मेथड तुम्हें कब करना है और क्यों करना है और कैसे करना है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों क्या है वो ध्यान रखना। देखो बेटा बात समझना, मैं यहाँ से बात कर लेता हूँ एक बार, भाई क्वेश्चन हमें करना ही नहीं है, सही भी करना है, दोनों बातों में फ़र्क है, एक तो करना करके राजी हो जाना, दोनों में दोनों बातें अलग अलग होती है भाई। हम जो है अपने आप को करके ये समझ रहे हैं कि हमने कर दिया है, कर दिया से मतलब नहीं है, सही कर दिया है इससे मतलब है, एग्ज़ाम में आप करके आ गए हो 150, 120 में से 100 क्वेश्चन कर दिए, 90 क्वेश्चन कर दिए, वो कोई मैटर नहीं करता, वो और डिसएडवांटेज हो जाएगा कि अगर आप इतनी भी जल्दबाजी में हो कि आपने हर कुछ ही कर दिया है या फिर आपने गलत कर दिया है तो वो तो आपकी और निगेटिव 1/3 लेके जाएगा, यानी कि आपका एक तिहाई नंबर और जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये काम अपने को ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ भी तुम मेथड्स बताए जाएंगे शॉर्ट वाले याद रखना, इस जगह पे जो खड़े हो के मैं बता रहा हूँ वो सब जगह पे वैलिड होगा, जो सब जगह पे वैलिड है, जो यूनिवर्सल है, जो सब जगह पे चलेगा वही हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज और कोई नहीं करेंगे। सवाल करने के तो पुट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक सवाल के आंसर आ जाएगा, बट हम एक सवाल के लिए नहीं, हम सारे सवालों के लिए ही उसकी बात करेंगे, अगर वो सब जगह पे वैलिड है तो ही हम यहाँ पे बात करेंगे, जो मैं बताऊँगा उसको कहीं भी यूज़ कर लेना, कहीं भी फेल नहीं होगा। देखो आगे नेक्स्ट वन, बात ये है, देखो यहाँ पे पहले तो एडवांटेज सुन लो कि 15 + 8i जो था उसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को, यही क्वेश्चन था हमारा, और क्वेश्चन के लिए मैंने जो है ऑप्शन लिख दिए हैं या नीचे कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से 5 + 3i, ऑप्शन बी इज 3 - 5i, आया ना,
अरे हाँ या ना, क्या कर रहे हैं, ऑप्शन लिख रहे हैं अपन, कहीं गायब मत हो जाना भाई। 4+ i, इनके सबके आगे जो है प्लस माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट में डले हुए हैं। और ऑप्शन डी है अपना 8+2 i, इस तरह से है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं, देखो किस तरह से अपने को शॉर्ट में करना है वो मैं बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यहाँ पे जैसे क्या आने वाला है, a+i, इस फॉर्म में आएगा आंसर। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। ध्यान से सुन लेना, दो बार रिपीट करूँगा एक ही बात को। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मॉडुलस होगा वो भी इसके मॉडुलस के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। इसका जो मॉडुलस होगा, मापांक जो होगा, वो भी इसके मापांक या मॉडुलस के वर्गमूल के बराबर होगा। या फिर मैं इस तरह से कह दूं कि इसके मापांक का, ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इसके मापांक के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट है, ये इसका स्क्वायर रूट है। तो इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, सॉरी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके मापांक का वर्ग इसके मापांक के बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो एक बार, हमें पता है, मैं चेक करने पहुँचा, मैंने सबसे पहले तो क्या किया, इसका मॉडुलस निकाला, वो 17 आ गया। अब मेरा टारगेट ये है कि इन चारों में से जिसका भी, इन चारों में से जिसका भी मॉडुलस √17 है, √17 होगा तो ही इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, 17 के। तो बस मेरे को इतना सा देखना है कि इन चारों में से किसका जो है मॉडुलस √17 है। जिसका भी मॉडुलस √17 होगा वही अपना जो है, जिसका भी मॉडुलस अपना √17 होगा वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो इधर, इसका मॉडुलस 25 और 9 नहीं होगा, इसका मॉडुलस 9 और 25 नहीं होगा, इसका मॉडुलस 4+i का √16+1, इट मीन्स √17। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। यह है एडवांटेज जो अपने को यूज़ करना है ना। तो यूज़ करोगे, लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज जो है ध्यान रखते हुए यूज़ करोगे। और डिसएडवांटेज अब की बार ये है कि क्वेश्चन यही था मेरा, क्वेश्चन यही रखा है मैंने, √15+8i, क्वेश्चन यही है। ओके, इसका डिसएडवांटेज का ही मैं तुम्हें अल्टरनेट बता दूंगा कि क्या अल्टरनेट होने वाला है। बट डिसएडवांटेज में भी दो पार्ट है अपने। पहला पार्ट कि ऑप्शन ए में तो लिखा हुआ है 4+i, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 4-i। अब हो गया, चक्कर पड़ गया अपने, है ना, चक्कर पड़ा। जब पड़ा तब अपन ने बात की, तब पढ़ा है, अदरवाइज तो नहीं पढ़ता। अदरवाइज तो हम जल्दबाजी में ऐसे कैसे करके आ जाते हैं, हम चेक ही नहीं करते। हो सकता है मैंने तो साथ में लिख दिए, हो सकता है एक ऑप्शन 4+i ऊपर हो और 4-i कहीं डी में दे रखा हो। तो जल्दबाजी इतनी होती है एग्ज़ाम में, कोई भी होता है, कोई भी एस्पिरेंट हो, सबको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो हम ये देख ही नहीं पाते, हमें तो ये लगता है यार फटाफट से कर दो, √17 आ रहा है, आंसर हो जाएगा। तो गलती से देखो एक बार, यहाँ समझना, इसका भी अगर मॉडुलस निकालते हो तो √17, और इसका भी मॉडुलस निकालते हो तो √17। ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोड जेड और मोड जेड बार दोनों बराबर होते हैं, तो दोनों बराबर होंगे तो ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, ऊपर वाला भी। तो ये कैटेगरी है अगर अपने पास, तो इस कैटेगरी में तो आप क्या करोगे, इस कैटेगरी में तो सीधी सी कहानी है कि अपन ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना था, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आना था। ये बात मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ आपको कि दो तरह के साइन है यहाँ पे। बाहर वाला साइन जो प्लस माइनस है वो तो स्क्वायर रूट के हटने की वजह से आता है, जो सब जगह लेते हैं अपन, और अंदर वाला जो प्लस माइनस है वो ये डिसाइड करेगा। तो हम एक बार यहाँ पे हल्की सी झलक मार लेंगे कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, +-4+i। समझ रहे हो मेरी बात, मेरी बात समझ रहे हो क्या बेटा? एक और यहाँ पे डिसएडवांटेज है, उसका अपने पास कोई रेमेडी नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ आपको भी, कि इसमें ही क्या है कि आंसर में, कभी कभार ये केस होता है, जैसे सपोज करो कि कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर अपना आ गया 3+4i,
ये मेरा आंसर आ गया स्क्वायर रूट का, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपन एबीसीडी में जब देख रहे थे तो एबीसीडी में मैं क्या करता यहाँ से डायरेक्टली चेक कर लेता कि 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट जितना होगा वही उसका होगा, तो यहाँ से क्या होगा, लेकिन मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 4 + 3 आयोटा, समझ लेना बात में, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने को गलती नहीं करनी है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना भी बहुत ईजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, और इस शॉर्ट मेथड को यूज़ करना भी बहुत अच्छी बात है। ये वर्स्ट केसेस में यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है गलत नहीं करें, ये सबसे बड़ा मैटर है। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं ये करवा के तालियां बजवा लूँगा, वो मेरे को नीचे है, मेरे को ये चाहिए कि क्वेश्चन सही हो, किसी भी बेसिस पे हो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले आप मेथड से करो चाहे इससे करो, टाइम अपने पास है, आगे और डिस्कस करा जाएगा जब इंट्रोडक्टरी वीडियो जो भी रहेगा अपना कोई सा भी, किसी भी दिन अपन जब डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, तब मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगा ये बात। टाइम बहुत कम है और टाइम बहुत भी है, दोनों ही बातें हैं, इसका क्या डिफरेंस है कि इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा अच्छे से, कि दोनों बातें हम कर रहे हैं कि टाइम भी नहीं है और टाइम बहुत भी है, दोनों ही है, तो अपने अगर सही अप्रोच से करना है और सही अप्रोच से चलना है तो टाइम होता है बहुत, कि आपको अच्छा स्कोर करना है और साथ में एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारा करना है जो गलत भी करना है, उसमें गलत भी करना है और बहुत सारा भी करना है, 120 क्वेश्चन है एनडीए के पेपर में, तो अपने को 100 से ज़्यादा करने ही करने हैं, फिक्स है कि 110 तो करने हैं। अरे भाई साहब सारे आप कर दोगे दूसरा क्या करेगा, दूसरे को भी करने दो, अगर ऐसा होता तो कट ऑफ इतनी कम नहीं होती, तो वो बात अपन वहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। चाहे अपना एयरफोर्स नेवी का पेपर हो गया, 25 में से 25 नहीं टिकाने हैं, नहीं करने, एयरफोर्स एक्स रूप में 25 सवाल, नेवी में 25 सवाल नहीं करने हैं हमें, 21-22 लास्ट, 20-21-22 यही क्वेश्चन करने हैं, तो 3 या 4 क्वेश्चन तो वहाँ पे भी छोड़ने हैं, तो हम छोड़ेंगे अच्छे से, हम छोड़ेंगे जिनको छोड़ने लायक जो क्वेश्चन आएगा वही छोड़ेंगे। तो बात ये है कि हमें करना है तो तरीके से ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है, तो ये बात समझो आप, कि अगर ऑप्शन में ये हो गया है 3 + 4 आयोटा 4 + 3 आयोटा, तो इस केस में देखो दोनों का ही मॉडुलस अगर मैं निकालता हूँ, इसका ही मॉडुलस 5 और इसका भी मॉडुलस 5 आ गया भाई। अब अपने पास कोई जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ कैसा है, जैसे यहाँ पे था मैंने एक केस बताया ऊपर तुम्हें, कि अगर 4 + iota 4 - iota इस टाइप का है तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, और नहीं है इस तरह का है तो फिर आप वो मेथड पे आ जाओगे, लुक आउट एट द ऑप्शंस, सारे देखोगे आप अच्छे से कि ऐसा कोई मेथड तो नहीं, ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं बैठ रहा जिसमें इस तरह की चीज़ हो, और मोस्ट प्रोबेबली पहली बात तो ये कि 90% में जो है ऐसा कुछ नहीं होगा, 90% केसेस में ऑप्शंस आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे, यहाँ तक की बात ज़रूर हो सकती है बट ऐसा बहुत कम चांस है कि दें, लेकिन उनको जब पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाना होगा तो वो ऐसी गलतियाँ आपसे करवाएंगे, तो अपन ध्यान रखेंगे उस जगह पे। तो फिलहाल अपने शॉर्ट बात यही है कि हम सीख चुके हैं कि किस तरह से स्क्वायर रूट निकालते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखो मैं करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन है अपना फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 + 4 आयोटा, सॉरी रूट तो स्क्वायर रूट तो अपन लिख ही चुके हैं ऑलरेडी ऊपर, इसको हटा दो यहाँ से, ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। तो मुझे क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं तो वही बता रहा हूँ तुम्हें, 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे इस तरह से, तो क्या लिख दूँ, प्लस माइनस ए प्लस आयोटा बी, ए की वैल्यू निकाल लें बी की वैल्यू निकाल लें, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट 5, मॉडुलस ऑफ जेड इज नथिंग बट 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 5 + x, x की वैल्यू देखना अभी 3 है क्या, x की वैल्यू 3 है तो 3/2 to the power 1/2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, बी की वैल्यू निकालोगे 5 - 3/2 to the power 1/2 is 1, क्लियर, तो ए और बी दोनों आ चुके हैं, इसका मतलब आंसर हो जाएगा अपना ±2 + iota, तो ये भी कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो अपन इससे भी कर सकते हैं, यस और नो, क्लियर बात है भाई, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की बात अपने गौर करनी है और थोड़ी सी एक दो बातें और करेंगे अपन इसी में स्क्वायर रूट में, तो ये बात अपन नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी उसमें करेंगे, अभी फिलहाल एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि हमने आज क्या क्या बात की वो देख लो, कि हम किस किस क्या क्या बात कर चुके हैं,
देखो एक बार, ये हम यहाँ तक का कर चुके हैं। पोलर फॉर्म की बात हमने की थी कि पोलर फॉर्म में अपन किस तरह से इसको चेंज करते हैं, कल किया था अपन ने। तो एक क्वेश्चन अपन ने आते ही किया कि ये था अपना, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना था। तो अपन ने इसको पोलर फॉर्म में चेंज किया है, आर और थीटा निकाल लिया। फिर आयलर्स फॉर्म की बात की है, आयलर्स फॉर्म में भी क्या होगा, ई की पावर आयोटा थीटा को हम इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, तो ये आयलर्स फॉर्म आ जाएगी। आयलर्स फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास एक तो आर है और एक थीटा है, दोनों वैल्यूज निकाल लोगे, आर आ जाएगा थीटा आ जाएगा, तो अपन आयलर्स फॉर्म लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो हम आगे बढ़े, तो हमने यहाँ पे बात की, एक सेकंड रुकना बेटा, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ये शायद अपना हो गया था थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ये आयलर्स फॉर्म में लिखना था, तो आयलर्स फॉर्म ही है ये, तो अपन ने ये इसमें लिख दिया है, तो इसके साथ ये भी लिख देना इस जगह पे, जेड इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये आयलर्स फॉर्म भी हो जाएगी। तो दोनों बात अपन ने कर ली, पोलर फॉर्म ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है। देखो आगे, फिर अपन ने एक और एग्जांपल किया है कि आयोटा को किस तरह से चेंज करते हैं, तो आर और थीटा निकाल लिया, आर थीटा निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये फॉर्म आ गई, जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा पाई बाई टू। फिर हमने लॉगरिथम ऑफ जेड की बात की, लॉगरिथम ऑफ जेड की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देखो आगे, फिर ये एग्जाम्पल क्वेश्चन किए हैं अपन ने कि लॉग कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वन, लॉग आयोटा निकाला अपन ने, लॉग आयोटा इज इक्वल टू आयोटा पाई बाई टू। इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इस तरह से ए और बी दो वैल्यूज़ निकालेंगे, ए और बी दो वैल्यूज़ निकालेंगे, ए का फॉर्मूला ये होता है मोड जेड प्लस एक्स बाई टू की पावर 1/2, बी की वैल्यू ये होती है। इसके क्वेश्चन किए हैं अपन ने, मैंने बताया है कि शॉर्ट तरीके से अगर अपने को करना है तो अपन ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कैसे करेंगे, क्या क्या एडवांटेज है ऑब्जेक्टिव पैटर्न से करते हैं तो, और क्या क्या माइनस गलत होने के चांसेज हैं, वो बात भी हमने की है। तो इसके बाद की स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा और माइनस आयोटा की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो आगे नेक्स्ट वन, इसके बाद की बात हम ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी उसमें हम इसके बाद की बात करेंगे।